बेतिहाता स्थित चंद्रलोक कुष्ठ सेवा आश्रम में सांसद निधि से बन रहे हाल का रविवार को भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने शिलान्यास किया। शिलान्यास के बाद वित्त राज्य मंत्री ने कुल आश्रम में शरण लेकर रह रहे 32 परिवारों के बीच प्रत्येक परिवार को दो दो रजाइयां वितरित किए। उन्होंने कहा कि समाज के लोगों को ऐसे लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए। मदद इस नाते भी आवश्यक है कि ये स्वयं से कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, तो समाज के लोगों का दायित्व बनता है कि वो ऐसे लोगों की मदद करें, इनको अपना परिवार माने। हम इनके लिए कुछ कर रहे हैं ये कभी ना माने, ये माने कि हम जो भी कर रहे हैं अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र दत्त शुक्ला, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे, विश्वकांत शुक्ला, मनीष सिंह, पूर्व पार्षद हरिप्रकाश मिश्र, आश्रम के सचिव कुंद्रू प्रसाद, रंजना गुप्ता, नर्मदा श्रीवास्तव सहित पार्टी के आश्रम के अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, भाई जमाना बढ़ाई के मुकाम पे सबसे बड़ा रोड है ये, देखिए ये जगह है, आइए वही हमारा कई तो हो गया बकाया हमारे बीच इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय हरिप्रकाश मिश्रा जी, मुख्य अतिथि आदरणीय शिव प्रताप शुक्ल जी, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता जिनके सौजन्य से लाभ हम लोगों को मिला है, विशेष अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र शुक्ल जी, अध्यक्ष आदरणीय राहुल श्रीवास्तव जी, बड़े भाई रमेश आदरणीय रमा शुक्ल जी और सत्यनारायण तुलस्यान जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आदरणीय मंत्री हर्ष सिंह जी, उमा शंकर शुक्ल जी, मुझे लगता नहीं है कि यहाँ कोई बहुत अधिक संबोधन दिया जाए। समाज के लोगों को, इन लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए। मदद इस नाते भी आवश्यक है कि यह स्वयं से कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, तो समाज के लोगों का दायित्व तो बनता है कि वह इन सभी लोगों की मदद करें। और उसी क्रम में हम लोग करते हैं, विश्वकांत शुक्ल जी, हरिप्रकाश जी, ये लोग हमेशा इससे पूरी तौर पर जुट करके, और पूर्व में जब महापौर रही सत्या जी भी उसी तरह से जुट कर करके इस चंद्रलोक कुष्ठ आश्रम के लिए कार्य किया करते हैं। प्रयत्न होता है कि हर अवसर पर हम लोग आते रहे, कोई पारिवारिक कार्यक्रम होता है तो भी मैं आने का प्रयत्न करता हूँ, पार्टी का कार्यक्रम होता है तो भी आने का प्रयत्न करता हूँ। देखिए जो भी कार्यक्रम यहाँ हम लोग करते हैं, यह मन में कभी भाव नहीं रहना चाहिए कि मैं इनको कुछ देता हूँ। मन में भाव यह रहना चाहिए कि यह लोग हमको अवसर देते हैं कि हम इनको कुछ दे पा रहे हैं। वास्तविकता ये है कि मनुष्यों के अंदर, इस समाज के अंदर, ये सभी के सभी
किसी देवता से कम नहीं है। देवता इस नाते कि हम सभी लोग अपने अपने में कि हम आज ये प्राप्त कर लें वो प्राप्त कर लें, तो जैसे देवताओं के ऊपर नैवेद्य चढ़ाया जाता है वैसे ही इस प्रकार के देवताओं पर नैवेद्य चढ़ाने की आवश्यकता है। उनको नैवेद्य इस नाते चढ़ाते हैं कि हमारे पास दुनिया भर के सामग्री आवे, हम धन धन से संपन्न हो जाए, पद प्रतिष्ठा मिल जाए। इनके ऊपर नैवेद्य चढ़ाने से उससे अधिक मिल सकता है लोगों को, लेकिन लोग अगर इसको समझें और समझ करके इनके सेवा और शुश्रूषा के लिए लगें। मेरे सामने जब यह विषय आया आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के उस पुण्यतिथि पर वर्षी पर हम लोग आए हुए थे, और जब ये बात आई कि इस का तो लोगों ने कहा, सहर्ष हमने स्वीकृति दिया कि इसको तुरंत अभी करा दिया जाए। उसी समय मुझे ये लगा, हमें जयपुर राजस्थान में जाना था चुनाव के दिशा, हर समय हम लोग कंबल इत्यादि देते रहते, नहीं मुझे लगा कि नहीं इस बार कुछ और करना चाहिए। तो जा करके जयपुर में मैंने बात किया, विष्णुकांत जी ने मुझे 32 परिवारों की बात कही थी कि एक एक रजाई 32 परिवारों को दिया जाए, हमने एक न करके दो दो रजाई 32 परिवारों को दिए, उनको दिया जाए और वह उसका उपयोग करें। मैं इसमें उपस्थित सभी जितने हैं सबसे आग्रह करूंगा कि आप सब लोग इनको अपना परिवार माने, हम इनके लिए कुछ कर रहे हैं ये कतई कभी मत माने, ये माने कि हम जो भी कर रहे हैं अपने ही परिवार के लोगों के लिए कर रहे हैं। जो हमको इस प्रकार का अवसर कभी कभी प्रदान कर देते हैं कि मैं इन लोगों के सेवा के लिए जुट पाता हूँ, पूरा कर रहे हैं, इससे अधिक कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आज यहाँ एक हाल बनना था तो उसका शिलान्यास हुआ है। पहले इसके पहले जब हम सभी लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी के 13वीं पर यहाँ आए हुए थे तो उसी दिन इसकी घोषणा हुई थी, और साथ ही साथ जाड़े का समय है तो उस जाड़े के समय के नाते सभी परिवारों को रजाई देने की बात थी, तो हर परिवार को दो दो रजाई हम लोगों ने दिया है और इसका शिलान्यास हुआ है। शिवरात्रि के पूर्व तक ये बन जाए ताकि उस समय उसका लोकार्पण भी हो जाएगा। इसी कार्यक्रम को लेकर करके यहाँ सब लोग आए हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग हर समय हर कार्यक्रमों में आते रहते हैं, विशेष करके ये हरिप्रकाश मिश्र जी, विष्णुकांत शुक्ल जी, सत्या पांडे जी और सत्यनारायण जी, ये सब लोग हमेशा यहाँ रहते हैं। उसी में उन लोगों के आधार पर और यहाँ कुंद्रू जी जो हैं, जो यहाँ के सचिव हैं, उनके नाते अपना आना जाना लगा रहता है। इस परिवार को अपनाए जाने की आवश्यकता है, समाज के लोगों को यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है और यह मान करके चलने की आवश्यकता है कि यह भी मेरा परिवार है। कितने लोगों को दिया गया है? यहाँ 32 परिवार है, सभी परिवारों को दो दो रजाई कर करके दिया गया है।